संजय गहलोत जी, जैसे हम बात करें एमसीडी के जो मकान है, पहले हम उनकी बात करेंगे। कुछ जगह जो झज्जर हालत में है, तो जो आपका आयोग बना हुआ है, आयोग के द्वारा उसकी भी कोई सुनवाई होगी? देखिए, आयोग का मतलब है कि जितने हमारे सफाई कर्मचारी दिल्ली में काम करते हैं, चाहे वो किसी विभाग के हों, बेशक वो एमसीडी के हों, एनडीएमसी के हों या किसी और डिपार्टमेंट के हों, जहाँ हमारे सफाई कर्मचारी, उनका आवास जो सरकारी है। अभी दो दिन पहले भी हमने देखा है, उसमें जाके जो हमारे उस्मानपुर के फ्लैट हैं ईडीएमसी में, इधर हमने जाके देखा है। अभी सोमवार को फिर हम जाने वाले हैं यहाँ मजनू के टीला पे, जो क्वार्टर बने हुए तिमारपुर में, वहाँ जाएंगे। उसके बाद 17 तारीख को बहुत बड़ा विजिट है, उसमें डिपार्टमेंट के जो लैंड एंड एस्टेट डिपार्टमेंट है हमारा एमसीडी का, उसके बड़े बड़े अधिकारी साथ में रहेंगे। ये जो प्रियदर्शी कॉलोनी है जमुना बाजार की, बहुत जर्जर अवस्था में है। लोगों ने बाहर से तो कर रखा उनको, ठीक, अंदर से बहुत बुरी पोजीशन है उनकी, देखने में लगता है कि अभी गिर पड़ेंगे। इसके लिए डिपार्टमेंट जो भी उनको रिनोवेशन कर सकता है सही तरीके से, उनकी डायरेक्शन दे दी जाएगी सही तरीके से। और साथ साथ कल शनिवार को भी पालिका धाम में हमें बुलाया गया, वहाँ पे वहाँ के जो निवासी हैं, उसके बाद बापू धाम को जो क्वार्टर हैं, कुल मिला कहने का मतलब है कि देखिए, जो कर्मचारी आयोग है, इसमें ना केवल एमसीडी के सफाई कर्मियों को पक्का होने का काम, बल्कि साथ साथ जो हमारे क्वार्टर में रह रहे हैं, जिनकी बहुत दयनीय स्थिति है, उन सबको भी ठीक कराने का काम भी सफाई कर्मचारी आयोग करेगा जल्दी ही। अच्छा सर, अगर बात करें जैसे दिल्ली सफाई कर्मचारी जो आयोग है, उसमें लोग ये सोचते हैं कि जो एमसीडी के अंदर आते हैं उन्हीं लोगों का कार्य होता है, क्या इसके अलावा और भी लोगों का कार्य होता है? देखिए, बड़ी विडंबना है, 2006 से दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग चल रहा है, लेकिन हमारे जो सफाई कर्मचारी है, चूंकि कम पढ़े लिखे होते हैं हमारे सफाई कर्मचारी बेचारे, तो उन्होंने क्या किया कि उन्हें आज तक पता ही नहीं था आयोग भी है हमारे लिए। तो अभी धीरे धीरे सबको पता चलने लगा कि सफाई कर्मचारियों की समस्या को निपटाने के लिए सफाई कर्मचारी आयोग को निर्माण किया गया दिल्ली सरकार की तरफ से। तो इसमें जितने भी हमारे सफाई कर्मचारी हैं, चाहे वो दिल्ली सरकार में हो, चाहे वो दिल्ली नगर निगम में कार्यरत हो, चाहे वो बेशक केंद्र सरकार में हो, चाहे वो मदर डेयरी में काम करते हो, चाहे वो शराब के ठेकों पर काम करते हो, चाहे कहीं भी काम करते हो, अस्पताल में हो, स्कूल में हो, जितने भी सफाई कर्मचारी हैं, उन सबकी समस्या को निपटान करने के लिए आयोग की स्थापना हुई है। इसमें एक दिक्कत हमारे सामने आ रही है। अभी हुआ क्या, जैसे एनडीएमसी इलाका जो है हमारा, उसमें तकरीबन 45 लोगों को पक्का करने का प्लान अभी बनाया है। उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने स्वयं के अध्यक्षता में पिछले महीने प्रस्ताव भी पास किया गया था, और अभी एक लिस्ट निकाल दी गई है जिसमें तकरीबन 4464 कर्मचारियों के नाम आए हैं। उसमें सारे मिक्सअप कर्मचारी हमारे, 1900 तो सफाई कर्मचारी हैं मेनली, जो काफ़ी समय से काम करते हैं सफाई कर्मचारी का, और उसके अंदर माली भी हैं हमारे, और इलेक्ट्रिशियन भी हैं, कुछ पेंटर भी हैं उसके अंदर, आरएमआर होते हैं वो, रेगुलर मस्टोल कर्मचारी उनको कहा जाता है। और रेगुलर मस्टोल बनने के लिए पहले टीएमआर लगाते हैं, टेम्परेरी मस्टोल लगाते हैं, जब उस टेम्परेरी मस्टोल वाले के 500 दिन पूरे होते हैं तब उसको रेगुलर किया जाता है, तो उस वक्त परमानेंट किया जाता है, ये उनकी पॉलिसी है। अब हो क्या रहा है, ये लोग परमानेंट होने शुरू हो गए, डिपार्टमेंट ने अपनी वेबसाइट पर डाल भी दिए, इधर हमसे भी जो कुछ बना अपने सोशल मीडिया के माध्यम से सब लोगों को हमने खबर भिजवाई, उसमें 25 तारीख की एक डेडलाइन दे दी उन्होंने, 25 सितंबर को किसी कर्मचारी के पिताजी के नाम में गलती है, या किसी के एड्रेस में गलती है, या किसी की जन्मतिथि गलत है, तो वो उसको चेक कर सकता है। इसके लिए यहाँ भी हम डिस्प्ले करने वाले लिस्ट को आज डिस्प्ले कर देंगे सफाई कर्मचारी आयोग में, नीचे भी कर देंगे हम यहाँ पे। तो कोई भी कर्मचारी जो एनडीएमसी का है, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद का कोई भी आरएमआर कर्मचारी, वो जिसका नाम उस लिस्ट में आया हुआ, अपना वो नाम चेक कर सकता है। अगर कहीं किसी त्रुटि है कोई, उसको तुरंत ठीक करा जाएगा, और उसके पक्के होने का लेटर दिलवा दिया जाएगा। लेकिन दिक्कत हमें क्या आ रही है, अब जो हमारे कर्मचारी एमसीडी के हैं, कल सोशल मीडिया में मैंने देखा, उन्होंने खुद हमें टारगेट बनाना शुरू कर दिया। वो कहते हैं कि जी एनडीएमसी के तो बाद में हो जाएंगे, पहले एमसीडी वाले को पक्का कराओ। अगर हम कहीं विजिट करने गए हैं, वहां जो हमारे स्टाफ क्वार्टर्स बने हुए हैं, वो कहते हैं स्टाफ क्वार्टर का काम होता रहेगा, पहले हमें पक्का कराओ। लिहाजा हम सभी से प्रार्थना करना चाहते हैं कि देखिए, केवल और केवल पक्के कराने काम नहीं आयोग का, आयोग के काम में बहुत सारी चीजें आती हैं, जो हमारे सफाई कर्मचारी दयनीय स्थिति में ऐसे ऐसे क्वार्टर में रह रहे हैं कि जिनकी बिल्कुल जर्जर अवस्था है, कभी भी गिर सकते हैं, उनकी डेथ हो सकती है वहां पर दब के, तो कम से कम ये सारे काम भी इसके अंदर आते हैं। आप सबसे अनुरोध करना चाहते हैं, जो भी हमारे सफाई कर्मचारी सुन रहे हैं इस बात को, हम सीरियस इस काम करना चाहते हैं। एक एक कर्मचारी की ग्रीवांश में हमें ध्यान है, कौन कर्मचारी पक्का होना है, क्या उसकी रुकावट है, कहां कोर्ट केस का मामला है, तो धीरे धीरे हम सबको करने की पूरी कोशिश करेंगे इसमें। अच्छा सर, अगर बात करें बार बार, जैसे पहले आप भी लड़ाई लड़ रहे थे शुरू से, और अब भी लड़ाई लड़ रहे हैं, अब यहाँ के आप लड़ाई लड़ रहे, पहले प्रदर्शन में भी आप जगह जगह नजर आते थे, क्यों बार बार सैलरी के लिए इन लोगों को रोडों पे जाना पड़ता है, सफाई कर्मचारियों की अगर हम बात करें? देखिए, ये टोटली जो है इनका पॉलिटिकल गेम है। एमसीडी की रिकवरी जो आती है वो कहाँ चली जाती है, ये बात समझ में नहीं आई। हालांकि अब तो हाईकोर्ट भी कहने मजबूर हो गया इस बात को,
उन्होंने कहा है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट जब तक एमसीडी को डायरेक्ट पैसा मुहैया नहीं कराएगी तब तक ये सोल्यूशन होने वाला नहीं है। अब देखिए जहाँ तक दिल्ली सरकार की बात है, दिल्ली सरकार का एमसीडी के लिए केवल और केवल इतना रोल है कि उनका जो बीटीए का टैक्स होता है वो एमसीडी को देना पड़ता है। उनकी ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक उनके जो राहुल मेहरा जी एडवोकेट हैं, सॉलिसिटर जनरल, उन्होंने वहाँ पेश भी कर दिए। उन्होंने कहा जी जो भी हमारी देनदारी थी, जो हमें एमसीडी को देना था पैसा, हम वो दे चुके हैं और ये उनका बकाया है जी, ये हम दे रहे हैं। इसके साथ साथ जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट एक स्पेशल ऑर्डिनेंस पास करके, क्योंकि देखिए जब देश के प्रधानमंत्री जी बाहर दूसरे देशों में जाके बिना किसी गारंटी के, बिना किसी ऑर्डिनेंस पास किए उनको लोन दे सकते हैं, तो क्या एमसीडी में जहां कर्मचारी बिल्कुल हैंड टू माउथ हो चुके हैं, भूखे मरने मजबूर हैं, लोग हमारे आत्महत्या करने मजबूर हैं, कल की मैंने न्यूज़पेपर देखे यहाँ पे लोग कह रहे हैं हम सुसाइड कर लेंगे अपने परिवार को लेके, तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के जो अधिकारी हैं, जो पॉलिटिकल विंग हैं, और देखिए यही पॉलिटिकल विंग जो सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कर रहा है वही एमसीडी के लिए जिम्मेदार है। तो लिहाजा इन्होंने एक ऐसा बनाना चाहिए जो यहाँ के मेयर हैं, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन हैं, इन्हें चाहिए कि डायरेक्ट प्रधानमंत्री जी या गृह मंत्री जी के पास अपनी गुहार लेके जाएं, इसको खेल ना समझें, मजाक ना समझें, क्योंकि लोग सड़कों पे हैं, जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, काम में रुकावट हो रही है, कोरोना काल चल रहा है और दिल्ली में अगर देखे जाए तो लगातार रोज केस बढ़ रहे हैं। इन सबकी रोकथाम करने के लिए हमारा कर्मचारी अपनी जान पर खेलकर कोरोना पीड़ितों से बचाव के लिए, क्योंकि अगर गंदगी भी साथ साथ हो जाती है तो उसमें और यहाँ पे आशंका कि ज़्यादा केसेस बढ़ जाएंगे, लेकिन उनको सही समय मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। मुआवजे से मेरा मतलब है ना तो सैलरी मिल पा रही है, ना उन लोगों को पक्का किया जा रहा है, और सारा का सारा जो ठीक रहा वो कहते हैं जी पैसा नहीं दे रही दिल्ली सरकार। दिल्ली सरकार का जैसे मैंने बताया ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक वो सारा पैसा दे चुके हैं। और देखिए सीधी सी बात है, एमसीडी के जो मेयर हैं, तीनों मेयर हैं, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन हैं, अगर उनके पास पैसा नहीं है तो उनको जब्त कर देना चाहिए, जब से मेरा मतलब है इनको हैंडओवर दिल्ली सरकार कर देना चाहिए कि भाई आप लोग चला लीजिए। बड़े दुख की बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी की सरकार है, इधर इनकी बीजेपी की सरकार है निगम में, इनका आपसी सामंजस्य नहीं बैठ पाता, लिहाजा हमारे जो सफाई कर्मी इनको पिछना पड़ता है। कोरोना काल में डेथ हुई है, उनका कुछ नहीं कर पा रहे। देखिए कितनी बड़ी विडंबना है, साउथ दिल्ली के, नॉर्थ दिल्ली के एक ही कमिश्नर हैं, लेकिन जैसे कहते हैं ना देशी भाषा में कि एक ही उसमें हांडी में दो दो पेट कर रखे, ऐसा क्यों? जब साउथ दिल्ली के कर्मचारी कोरोना काल में ग्रसित होने से, उनके संपर्क में आने से उनकी डेथ हुई है, उनको पक्की नौकरी 10 लाख का मुआवजा दिया है, तो ऐसी उत्तर दिल्ली में देनी चाहिए। और साथ साथ जहां दिल्ली सरकार की बात है, दिल्ली सरकार अपनी पॉलिसी जो उन्होंने दे रखी है, उन्होंने कह रखा कि अगर हमने किसी कर्मचारी की ड्यूटी लगा रखी है, डिप्लॉय किया है, चाहे निगम ने किया चाहे दिल्ली सरकार ने एक बार को, वो देनदारी का हकदार है। और दिल्ली सरकार ने एक राजू नाम का जो कर्मचारी था जिसे कोरोना से डेथ हुई है, डिजर्व कर रहा था, उनको पैसा दिया भी है और आगे भी कोशिश हमने लिस्ट दे रखी है, उनको भी पैसा जल्दी मिलने वाला है। अच्छा सर, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है, जैसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं स्वच्छ अभियान, जी एमसीडी के कर्मचारियों को ही सैलरी नहीं मिलती तो देश में सफाई कहां से आएंगी? जो हमारे देश की हर शहरों की जो सफाई करते हैं गंदगी, उन्हीं को इतना परेशान किया जाता है। देखिए देश की राजधानी है दिल्ली, अगर दिल्ली में ऐसे हालात हैं तो जो बाहर के हमारे ये स्टेट्स हैं, जो राज्य हैं, उनमें कैसा काम होता होगा, ये सोच के भी मन बड़ा घबरा जाता है। जब देश के राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ही लोगों को सैलरी नहीं मिल पाती, समय पर लोग आत्महत्या करने मजबूर हो रहे हैं हमारे कर्मचारी, तो बाहर के दो स्टेट में क्या हल होगा? लिहाजा सरकार को ऐसे बंदोबस्त कर देने चाहिए जो बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे है। और कई बार तो ऐसी सरकारें आती हैं कि मैनिफेस्टो में योजनाएं होती हैं, वो कहते हैं कि जो लास्ट कोने पे, जो लास्ट पायदान पे हम उनको आगे लाना चाहते हैं, यही आगे लाने वाला काम उन लोगों का, ये केवल और केवल नाटकबाजी करते हैं। हमारे कर्मियों को और मरने मजबूर कर दिया, रिजर्वेशन खत्म किया जा रहा है, लोग सड़कों पर आ चुके हैं हमारे, मेनली उनका उद्देश्य यही है कि इन लोगों को जो पहले आज से 50 साल पहले काम करते इनको ऐसे कैसे बना दिया जाए। लेकिन अब हमारे जो सब कर्मचारी बिल्कुल जागरूक हो चुके हैं, वो जगह जगह अपने प्रदर्शन कर रहे हैं। और जहाँ तक सफाई कर्मचारी आयोग की बात है, जो हमारी प्रदर्शन शक्तियाँ हमें प्राप्त है यहाँ पे, उसके अनुरूप हम लोग काम करेंगे और अपने कर्मचारियों को सही उचित न्याय दिलाएंगे। लाइक शेयर एंड कमेंट, टू सब्सक्राइब दिस चैनल प्लीज प्रेस द बेल आइकन।